Sunlit Mule. Sunlit Mule. जय भीम. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो. पाहुयात आजच्या सम्यक घडामोडी. फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. उनका अंत क्यों हुआ उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी विचार को बचाना है तो पहले अपने आप से ये फैसला करना है. हार जीत की बात अलग है, हार जीत से सरकार बनती है या ना बनती है, लेकिन जिस विचारधारा को मुझे जिंदा रखना है, जिस विचारधारा को मुझे जिंदा रखना है, उसे मुझे जिंदा रखना या नहीं रखना यह फैसला मुझे करना है. और जब मैं ये फैसला करूंगा कि ये सेक्युलर मिजाज की जो ताकतें हैं इसको जिंदा रखना है, तो मेरे दिमाग में ये बात आना नहीं चाहिए कि ये जीतेगी या हारेगी. सरकार बनाना अलग बात, वो हार जीत की बात होती है, लेकिन किसी विचारधारा को अगर हम लोग जिंदा रखते तो शायद मेरे ख्याल से आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ना. इसलिए मैंने कहा कि कम्युनिस्टों के साथ हम लोग के मतभेद हो, लेकिन इंसानियत की बात करते थे. सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके आज डॉक्टर काजी जो है उसके ट्रस्टी भी है, इलेक्शन भी है, वो क्या है, राष्ट्र सेवा दल, जैसे कांग्रेस का सेवा दल था, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस की एक बैकबोन थी. लेकिन ये कांग्रेस की बैकबोन जैसे कमजोर होती गई वैसे पार्टी होती. उसी तरह सोशलिस्टों का था, उसी तरह कम्युनिस्टों का था कि उनकी सोशल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे कमजोर होती गई वैसे वैसे उनकी पार्टियां भी कमजोर होती गई. और वो कमजोर पार्टियां हुई उसकी वजह यह है कि उस विचारधारा को स्वीकारने के लिए कोई था ही नहीं. हर कोई इस होड़ में लगा हुआ था कि मैं जीतने वाले के साथ में देखूं, मैं अपने विचारधारा के लोगों के साथ में देखूं, ये कोई तैयार नहीं था. आज मैं मानता हूं कि 22 साल बाद दोबारा जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से एक विचारधारा को हम लोग लेके लेंगे, सेक्युलरिज्म को लेके चले. भी हम लोग वंचित है, अपनी एक अलग से पहचान होनी चाहिए. धार्मिक राजनीति अपनी तरफ से चले, लेकिन अपनी एक पहचान होनी चाहिए. उस पहचान को उन्होंने कामयाबी बताई, दिखाई. अब मैं समझता हूं कि हम लोगों की एक जिम्मेदारी है कि क्या इसको हम आगे ले जाएं या एक ही इलेक्शन में उसको खत्म किया. जिन्होंने दिखाया है कि हम सेक्युलर मिजाज के, वो दिल से चाहते कि सेक्युलरिज्म यहां पे बढ़े. वैसे उनको दिखाने की जरूरत है अगर आपने पूछा तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन उनकी जो मकसद है, उनकी जो सोच है, उनकी जो इंसानियत की जो भावना है, वही उनको तकाजा दे रही है, वही उनको कह रही है कि धर्म जो है वो आपकी एक अलग बात है, सामाजिक आयु आपको जिंदगी में गुजारना है तो आपको सेक्युलरिज्म के माध्यम से ही यहां पे गुजारना होगा, और इस विचारधारा को वो आप आगे ले आए. मैं मानता हूं यहां पर की काफी बड़ी चर्चाएं हुई है, एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि कल क्या होगा पता नहीं. जिस तरह से संगठनों का सत्ता में बैठे हुए संगठन उनकी जो विचारधारा है क्या वो सही अमल में ले आएंगे, क्या ये है कि 2024 तक ये संविधान बचेगा या नहीं बचेगा. हम लोग जब तक हार जीत की राजनीति में फंसते रहेंगे तब तक मेरे ख्याल से इसमें हम लोग हारते रहेंगे. हम लोग को पहले हार जीत से बाहर निकलना,
और जिस दिन हम लोग ये हार जीत से बाहर निकले तब तक से मैं उसको कहूंगा कि संविधान भी बच गया और अधिकार भी बच गया और डेमोक्रेसी भी यहाँ की बच गई। क्यों उस दिन ये साबित होगा यहाँ पर कि विचारधारा के लोग इतने बड़े पैमाने पे इस देश में है और वो इस विचारधारा पर अमल करने के लिए तैयार। सेक्युलरिज्म की विचारधारा की जनसंख्या हम लोग ने दिखा दी, वोटिंग के माध्यम से हम लोग दिखा देते। जैसे आज वंचित बहुजन अघाड़ी ने 14% मिला के यहाँ पर दिखा दिया कि 14% यहाँ के सेक्युलर विचारधारा मानने के लिए तैयार है। अधिकांश उसमें से 95% मैं कहूंगा कि हिंदू ही है, कि उसने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिया कि मौका मिला उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का कि सेक्युलरिज्म विचारधारा इस देश पे खत्म नहीं हुई है, जिंदा है और मैं जिंदा रखने के लिए तैयार हूं। ये विचारधारा जैसे बढ़ती जाएगी वैसे जो अपने मंसूबे बना के बैठे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, यहां पर जो है एक अलग से व्यवस्था बनाएंगे, उनके सामने ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज हमेशा उनके लिए डराता रहेगा, कहता रहेगा कि आप इतने बड़े लोगों को काबू नहीं कर सकते। मैं हमेशा मुस्लिम समाज से ये कहता हूं कि आप हिटलर को अध्ययन करें, हिटलर भी डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की ओर आता। हिटलर एक सिस्टम है, एक विचारधारा, चाहे हम माने ना माने अलग बात है, लेकिन वही सिस्टम इस्तेमाल करके यहां पर डिक्टेटरशिप की ओर जा रहे हैं। और जिस तरह से जर्मनी में पूरी पुरानी व्यवस्था खत्म करके वह हिटलर ने एक नई व्यवस्था ला रहे, जिसपे हम लोग ये कह रहे कि नई व्यवस्था आ रहे तो हम लोग के लिए नुकसानदायक। वो जब तरीका जो इस्तेमाल किया गया तब वही तरीका यहां पे चल रहा है, कोई ये नहीं। वहां भी जो है हिटलर के जमाने में भी उसने ब्लैकमेलिंग की थी, ब्लैकमेलिंग आज भी हो रहा है। हम इसको मानने के लिए तैयार ही कि इस देश में एक राजनीति ब्लैकमेलिंग की राजनीति शुरुआत हो चुकी है, हम ये इसको मानने के लिए तैयार। और जो ब्लैकमेल हो रहा है उससे हम उम्मीद लगे बैठे हैं कि वो हमारी लड़ाई है। तो ये मेरे ख्याल से दो चीजें हो नहीं सकती, एक तो वो अपने आप को बचा लेगा या वो आपको बचा लेगा। आप उसने जब तय कर लिया है कि मैं मिटा तो भी चलेगा लेकिन मैं दूसरों को मिटाऊंगा, तब वो दूसरों की लड़ाई लड़ेगा, वरना वो जो है वो अपने आप को बचाने के लिए ही इस्तेमाल करता रहेगा, चाहे दूसरे का कुछ हो या ना हो। उदाहरण तौर से मैं कहूंगा तो बीच में इलेक्शन के काउंटिंग के रिजल्ट के पहले ही कांग्रेस के वक्त की जो तीन केसेस थी मुलायम सिंह और अखिलेश के खिलाफ भी डिस्प्रोपोर्शनेट की केसेस थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो उस वक्त अखबार वाले मेरे सामने बैठे थे, बोले आपकी रिएक्शन क्या है, तो मैंने कहा एसपी डीएसपी क्यों नहीं, बोली बरी होने का रिश्ता क्या है, तो मैंने कहा रिश्ता सीधा है, एक बरी हो गया तो दूसरे की भी आस होगी कि मैं इस रिश्ता अगर तोड़ दूं तो मैं भी बरी हो जाऊं। तो इंडिविजुअल एजेंडा जब सामने आता है तो सोशल एजेंडा बगल में हो जाता है, और जिस दिन सोशल एजेंडा बगल में हो गया तो उस दिन मैं मान के चलता हूं कि अपनी लड़ाई शुरुआत होने से पहले ही हार चुकी है। इसलिए आज ये हथकंडे सबसे इस्तेमाल किए जा रहे, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों पर है, हम लोगों पर भी उन्होंने कोशिश की कि ये टेररिस्ट है, ये नक्सलवादी है, प्राइम मिनिस्टर के कातिल है, आर्बर टेररिस्ट, कई। लेकिन जब लड़ने का मन बना लिया है तब मेरे ख्याल से डर अपने मन से निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंक
क्योंकि अगर डरते रहेंगे तो शायद मैंने जैसे कहा कि वो हावी होता जाएगा, और अगर हम लोग को अपने अधिकार को बचाना है तो आपको जो है एक्टिव भूमिका लेना जरूरी है। जैसे कि आज मैं कहूं कि 373 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने पोल हुए उसमें से कुछ में कम आए, उसमें कुछ में ज्यादा आए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट दिया उसने कहा ये टैंपरिंग हो नहीं सकता। तो हम लोग की एक बात सीधी है, हम लोग उठा ले भाई जितना अंदर गया है उतना ही बाहर आना चाहिए, ज्यादा और कम आया तो किसी ने हाथ डाला ये बता दो। लेकिन इसको उठाना, इस पर लड़ना, क्योंकि हम लोग कहेंगे भैया ये हो गया, होने के बाद भी अगर हम लोग कुछ कहेंगे नहीं तो सामने वाले का हौसला, ये टेस्टिंग ग्राउंड ऐसा मैं मान के चलता कि कुछ तो भी फेंक दो और ये देखो कि वो कितना बाउंस होता है, ये देखो कि उसके खिलाफ कितनी आवाज होती है। और इसका ही हिटलरिज्म का नाम है ऐसा मैं मान के चलता हूं कि हिटलर ने कहा कि सीधा लगा, सीधी किसी चीज को मत लागू करो, उसको पहले पब्लिक में फेंको, रिएक्शन देखो, उस रिएक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो तो उसको आगे ले जाओ, नहीं कर सकते तो वही रुक दो 2-4 दिन साल के लिए और फिर बाद में उसको शुरुआत। तो यही राजनीति जो है इस देश में चल रही है, यही यहाँ की सरकार कर रही है, कोशिश है हम लोगों को इसको रोकने की। मैं उम्मीद ये करता हूं आप लोगों से कि ये जो सेक्युलर ताकत आइडियोलॉजी की लड़ाई जो है, क्या हम लोग आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ना शुरुआत करेंगे? और जिस दिन हम लोग ये आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ना शुरुआत करेंगे, मैं आपसे कहूंगा कि ये जो चर्चा चली है संविधान बदलने की, किसी के अधिकार निकालने की या नई व्यवस्था लाने की, वो चर्चा चुपचाप बंद हो जाएगी, उसको आगे कोई ले नहीं जाएगा, क्योंकि जो व्यवस्था बनी है, जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के हिमायतदार जो है वो 10% से लेके 40% है, उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसलिए ये व्यवस्था जो है वो चलती रहेगी। बदलना जिनका मकसद है वो आज भी नहीं 20 साल भी यही कहते रहेंगे कि ये बदलना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकार निकल चुके हैं इस संविधान के माध्यम से, जो है वो उनके नुकसान हो चुका है, उनका जो हावीपन था वो हावीपन निकल चुका है, बराबरी के रिश्ते आ चुके हैं, वो बराबरी के रिश्ते मानने के लिए तैयार नहीं है, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि हम लोग जो है इस व्यवस्था पर हावी हो, काबू करे, और हमको जिस तरह से इस देश की व्यवस्था को रचना है उसकी हम लोग शुरुआत, इसको अगर रोकना है तो मैंने जैसे कहा है कि कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी के लोग कम हमको दिखाई देते हैं, सोशलिस्टों के जो लोग थे वो अब कहीं दिखाई भी नहीं देते, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन जो इंसानियत की राजनीति यहां पर चली है, सेक्युलरिज्म की राजनीति चली है, इन दो विचारों को ताकत देना, उनकी ताकत बढ़ाना, और ये ताकत बढ़ाना मैं समझता हूं कि इनके साथ में हम लोग लड़ सकते हैं। अगर ये कहेंगे कि हम लोग इलेक्शन में इनको डिफीट करेंगे, कभी हम लोग डिफीट करेंगे, कभी डिफीट नहीं करेंगे। जब डिफीट नहीं करेंगे तब तक यही दोबारा चर्चा होगी, डिफीट करेंगे तो भैया उनको संविधान के दायरे में लाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो 70 साल में हुई नहीं, वो इसके बाद में होगी, उसकी गारंटी कहां है? इसलिए इलेक्शन के वक्त हम लोग ने कहा था कि ये सत्ता किसकी दी है, पावर आपको किसकी दी है, आपका पर्पस क्या है पावर? तो हमने कहा हमारा पर्पस जो एक है कि आरएसएस को जो है संविधान के दायरे में ले लिया, टाइगर दिखाई दे रहा है उसके दांत निकाल दो, दिखा दो, बच्चों खेलते रहेंगे और मौका हो जाएगा।
सब सुकून के साथ यहाँ प्रोग रखे। फिर जो कह रहा है कि यहाँ की व्यवस्था बदलना है, उसको आपको संविधान के दायरे में लाना सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो हार जीत की बात लेके हम लोग चले हैं, इससे हम लोग बाहर निकले और सेक्युलर विचारधारा के लोग जो आए हैं वो मेरे ख्याल से उसको हम लोग देखना जरूरी है। मैं इतिहास की बात यहां पर जरूर कहूंगा, इम्तियाज के खिलाफ 5 मुस्लिम कैंडिडेट, जिसकी दिक्कत हम लोग ने बाहर आने नहीं, लेकिन उन्होंने वोट किया, वो करीब करीब 50,000 के आसपास वोट, और फिर भी इम्तियाज जीतते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है, जिसने वंचित के साथ में अपना रिश्ता जोड़ दिया, उसने पूरी तरह से ये दिखा दिया कि मैं सेक्युलर हूं। उसने इम्तियाज कौन है, क्या है, उसका धर्म क्या है, उसके मजहब क्या है, नहीं देख रहा है, वंचित का उम्मीदवार है, पूरी ताकत से उसको जीता। अपौने 3 लाख मुस्लिम वोट है, 5 लाख के आसपास इम्तियाज को वोट मिले, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यहां का सेक्युलर मिजाज जो है कि मैं व्यवस्था के खिलाफ जाने के लिए तैयार। जो नई व्यवस्था की बात कर रहा है उसके खिलाफ मैं जाने के लिए तैयार हूं, उसके लिए मैं लड़ उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार। जो नतीजा होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं लड़ूंगा इसके साथ। अब मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जो है इसका ये जो हौसला है, इस हौसले को बरकरार रखना होगा, उजागर करना होगा, इनको ताकत देनी होगी, और ये विचारधारा जब तक पनपती रहेगी तब तक मैं समझता हूं कि संविधान और अपना अधिकार जो है वो बरकरार रहेगा। मैं समझता हूं कि इस इत्मिलाप के वक्त हम लोग दोस्ती की बात करते, भाईचारा की बात करते, हिंदुओं को मुसलमानों के साथ जोड़ने का, क्रिश्चियनों को जोड़ने का, ईसाइयों को जोड़ने का, सिखों को जोड़ने का, बौद्धों को जोड़ने का, दलितों को जोड़ने की बात करते हैं, उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आइडियोलॉजी के लोगों को भी जोड़ना ये सबसे बड़ी बात है। यही अगर ताकत हम लोग बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक भाईचारा जो है वो बढ़ता रहेगा, इंसानियत जो है वो बढ़ती रहेगी, और संविधान ने दिए हुए जो अधिकार है उसको हम लोग हिफाजत कर सकते हैं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आपने मुझे सुना, इसके लिए शुक्रिया। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाइव, बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूब वर सब्सक्राइब करा।